तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जाने वाला हूँ कि आपको प्राइम प्रो, प्रीमियर प्रो, एडोब प्रीमियर प्रो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये प्रीमियर प्रो ओपन कर लेना है। ये मैं आपको सिर्फ अभी बेसिक ही बता रहा हूँ कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा एडिट से, एडिट में जाना है तो एडिट में जाके फिर आपको मीडिया ब्राउज में जाना पड़ेगा। तो मीडिया ब्राउज में अगर आपको जो भी सिलेक्ट करना है वो यहाँ पर दिख जाएगा आपका कंप्यूटर में क्या क्या है कंप्यूटर में से। तो आपको जिस भी डिस्क में आपने डाला हुआ है वो डिस्क ले लेनी है। तो अभी मैं यहाँ पर मेरा ये है तो यहाँ पे गया मैं। अभी यहाँ पर ये देखिए ये सारे वीडियो आ गए। तो यहाँ पर आप अपनी सारी फाइल्स देख सकते हैं कि कौन सी आपको डालनी है और कौन सी नहीं डालनी है। तो सिर्फ अभी मैं डाल रहा हूँ ये वाली फाइल, यहाँ से उठा के यहाँ पर पुट कर देनी है आपको। तो ये फाइल आ गई यहाँ पर। तो अगर आपको इस फाइल को एडजस्ट करना है, जैसे कि कुछ बार क्या होता है कि ये फाइल उल्टी आ जाती है, ठीक से यहाँ पर बैठती नहीं है, तो फिर आपको उसको सिलेक्ट करना है यहाँ से कि इस वीडियो को आपने सिलेक्ट कर दिया, फिर यहाँ से रोटेट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर से एंगल सेट कर सकते हैं आप कोई भी, तो यहाँ से फिर से आपका एंगल भी सेट हो जाएगा। तो आपका एंगल सेट हो जाएगा यहाँ पर से। और अगर ऐसे नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर टाइप करके भी कर सकते हो। तो ये देखिए सीधा हो गया। बाद में आप इसका स्केल भी बढ़ा सकते हो, यहाँ पर स्केल का ऑप्शन भी दिया है। तो ये देखिए स्केल भी बढ़ जाएगा इसका। अभी तो मैं इसको सिर्फ 100 पे ही रख रहा हूँ, तो आप भी 100 पे ही रखना है इसको। बाद में आता है कि इसको अगर आपको कट करना है या ट्रिम करना है, तो यहाँ पर ये रेजर टूल दिया हुआ है, तो इसको यूज़ करते हैं आप। तो यहाँ पर जाएंगे बाद में वीडियो के ऊपर, तो ऐसे आप कट कर पाएंगे बाद में। अगर आपको इसको निकालना है तो इसको ऐसे सिलेक्ट करनी है फाइल को और क्लियर कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर से बीच में से निकल गया। बाद में इस फाइल को सिलेक्ट करना है और ऐसे दोनों को अटैच करना है। तो ये दोनों फाइल अटैच हो गई वापस से आपकी। बाद में अगर आपको करना है कि यहाँ पर ऑडियो का सेटिंग आता है, तो ऑडियो तो यहाँ पर आपको मैंने ऑडियो डाउनलोड की हुई है पहले से, तो आपको यहाँ पर चला जाना है फिर ऑडियो पुट करना है। तो यहाँ पर ऑडियो के आपको दो या तीन तीन कॉलम मिल जाती है, तो एक दो तीन ऑडियो ट्रैक आप डाल सकते हो और वीडियो भी तीन डाल सकते हो एक साथ में। तो यहाँ पर ऑडियो भी स्टार्ट कर पाओगे आप लोग नीचे। और ऑडियो को अगर आपको सेट करना है डिफरेंट लेवल पे, तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जैसे कि ये। तो अभी मैंने यहाँ पर म्यूज़िक पूरा कम कर दिया है और जो मैं बोल रहा था वही स्टार्ट है, तो उसमें ऑडियो नहीं सुनाई देगी आपकी। बाद में अगर आपको कुछ करना है, ग्राफिक सेट करने है जैसे कि ये, तो आपको अपकमिंग नेक्स्ट वाला है कि आपके वीडियो में आपको पहले वो रखना है, तो यहाँ पर जो दूसरी लाइन है वहाँ पर आपको ऐड कर देना है। बाद में ओके, और आपको यहाँ पर से एडिट कर पाओगे, इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो इसको सिलेक्ट कर लिया हमने, तो ये ऊपर अपकमिंग नेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है। तो इसको आप ऐसे मूव कर सकते हो इरेजर माउस से। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ और टाइप करना है तो यहाँ पर टाइप का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर से आप कुछ भी ऐसे इसको इरेज कर देना है पहले, और बाद में आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो ये भी हो जाता है। और बाद में अगर आपका वीडियो पूरा एडिट हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं आपको एक्सपोर्ट के कोने में, राइट साइड में ऊपर मिल जाएगा एक्सपोर्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पर से आप एक्सपोर्ट करवाओगे अपने वीडियो को। और अगर आपको वहाँ पर से नहीं करना, तो यहाँ पर ऊपर फाइल के ऑप्शन में चला जाना पड़ेगा। तो फाइल में जाकर फिर आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, ये रहा एक्सपोर्ट का। बाद में जाना है आपको मीडिया में, तो आप मीडिया में जैसे जाओगे आपका पूरा वीडियो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। बाद में आउटपुट के बारे में आ गया कि स्केल कितना लेना है आपको, तो मैंने अभी स्केल फीट पे ही रखा है जो ओरिजिनल है। बाद में यहाँ पर आप फॉर्मेट भी सेट कर सकते हो कि आपको किस में रखनी है। बाद में यहाँ पर आ जाएगा सब कुछ, वीडियो ऑडियो सब कुछ, इफेक्ट सब कुछ आप यहाँ पर से सेट कर पाओगे। बाद में आपको रेंडर तो मैक्सिमम यूज़ पे ही रखना है आपको। बाद में यहाँ पर मिल जाएगा आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा बाद में आपका वीडियो ऐसे।